चित्रकूट उपचुनाव में अपने अपने प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए दोनों प्रमुख दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं चित्रकूट विधानसभा में सीएम बघेल की सभा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी मोर्चा संभाल रखा है। अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान रमन सिंह ने लोहंडीगुड़ा से लेकर करंजी तक रोड शो किया और 5 स्थानों में नुक्कड़ सभाएं की। वहीं दूसरे दिन बस्तानार की ओर चुनाव प्रचार में निकलने से पहले उन्होंने पत्रकारों के साथ मुलाकात की और 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के किए गए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस की 11 महीनों की सरकार पर जमकर हमला बोला। बस्तर को ऊर्जीकृत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, सड़कों का जाल बिछाने का, हर गांव तक विद्युत पहुंचाने का काम किया, सोलर ऊर्जा के माध्यम से गांव गांव तक पंप पहुंचाने का काम हुआ है, रोजगार के जितने अवसर का सृजन हो सकता था वो सब काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज जनता पश्चाताप कर रही है उन सब कांग्रेस का 10 महीना देखने के बाद उनको इस बात का निश्चित रूप से दुख है और पीड़ा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं।